सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के V30e डिवाइस के अंदर आपने फोन के अंदर रियल टाइम नेटवर्क स्पीड सेटिंग को एनेबल कैसे करेंगे। दैट मींस गाइस, जो भी आप एक्चुअल में डाटा यूज कर रहे हो उसकी स्पीड क्या है, ये चीजें आप अपने फोन के स्टेटस बार में देख सकते हो। फिलहाल चलो डेमो करते हैं एंड आपको दिखाते हैं इस सेटिंग को एनेबल एंड यूज कैसे करते हैं। गाइस, फोन के अंदर इस सेटिंग को टर्न ऑन करने के लिए हम ओपन करेंगे अपने फोन सेटिंग को। सेटिंग्स हमने ऑलरेडी ओपन करा है, इसमें एक सेटिंग्स होगी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। एक बार आप इसको प्रेस करेंगे देन इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आइए, इसमें एक सेटिंग्स होगा स्टेटस बार। जस्ट आप स्टेटस बार पर क्लिक करेंगे, डिस्प्ले रियल टाइम नेटवर्क स्पीड का जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये अभी देख सकते हो इनेबल है, और करंट टाइम पे हमारे पास यहाँ 0 kbps की स्पीड आ रहा है क्योंकि हम कोई चीज़ यहाँ पर इंटरनेट के साथ एक्सेस नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसको इनेबल डिसेबल कर देते हैं तो ये इंडिकेटर यहाँ से गायब हो जाएगा। देन अगर आपको इनेबल करना है तो इसको इनेबल कर देंगे तो यहाँ पर ये इनेबल हो जाएगा। एंड गाइस, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप अगर इसमें कुछ इंटरनेट पर डाउनलोडिंग करते हैं, अपलोडिंग करते हैं, कुछ भी इंटरनेट के साथ आप एक्सेस आउट करते हो तो स्पीड वहाँ पर शो करती है। आई थिंक समझोगे रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को इनेबल एंड यूज़ कैसे करना था वीवो के V30e डिवाइस के अंदर।